हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप स्नैपचैट को यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं और इसमें स्नैपचैट लिखता हूं और देखिए इसके सामने जो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है इसको मैं इंस्टॉल यहाँ से करता हूँ। अब ये 53 MB का सॉफ्टवेयर है, देखिए इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी और ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसी से ओपन करता हूँ इसको। तो अब देखिए ये लॉगिन और साइन अप दिखा रहा है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करिए, ये तो आप साइन अप पे जाइए फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं। तो अब इसके बाद कंटिन्यू, परमिशन के लिए बोल रहा है तो आप उसे परमिशन दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए इसको। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालिए, सेकंड नेम, लास्ट नेम, साइन एक्सेप्ट। अब देखिए ये आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर दिए अपने डेट ऑफ बर्थ, फिर कंटिन्यू। अब आपको देखिए एक यूज़र नेम इसने आपको दे दिया, इसको आप चेंज माय यूज़र नेम से भी चेंज कर सकते हैं और कंटिन्यू। तो उसके बाद ये आपके मोबाइल पर एक आइकन येलो कलर का आइकन बन जाएगा स्नैपचैट करके, इसमें आप उसके बाद आप क्या करिए देखिए। चलिए देखिए, मैंने स्नैपचैट ओपन किया है। इसमें आप देखिए जो नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन शो कर रहा है। चलो मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ये मेरे कॉन्टैक्ट्स इसमें आ गए हैं जो मेरे फ़ोन में है। अब इसमें देखिए इसके सामने कॉन्टैक्ट्स के सामने ऐड का ऑप्शन आ रहा है, अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो ये आपका स्नैपचैट दूसरे वाले जो यूज़र है उसके पास भी इंस्टॉल है, तो इसमें उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो उसको यहाँ से ऐड कर देगा और जैसे ऐड करेगा तो आप दोनों आपस में वीडियो चैट, ऑडियो चैट कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए ये जब आप ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये ऊपर शो करने लग जाएगा। तो इसमें आप जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कॉल, जैसे मैं एक कॉल में करता हूँ तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे नाम के सामने एक फ़ोन बना हुआ है और एक वीडियो बना हुआ है। तो मैं फ़ोन में क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसमें कॉल जानी शुरू हो जाएगी और इसके बाद आपका देखिए वीडियो है बना हुआ है, इसमें आप वीडियो में क्लिक करेंगे तो वीडियो भी जाने लग जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे एक वीडियो व्हाट्सएप कॉल करते हैं वैसे ही इसमें कर पाएंगे। और इसमें आप देखिए अगर आपको वीडियो मैसेज भेजना है तो आप ये जो नीचे ऑप्शन बना हुआ है इसमें आप क्लिक दबाएंगे और यहाँ से आप कुछ बोल के यहाँ सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई फ़ोटो खींच के आप सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए इसमें ऑप्शन बना हुआ है स्टिकर का, अब यहाँ से आप ओपन करेंगे तो इसमें आप ये बिटमोजी ये सब आप भी इसमें भेज सकते हैं। ये देखिए ये सारे आप इसमें लगाकर सेंड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन सेट किए हुए हैं। और इसके बाद आप देखिए इसके बाद जो ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ से आप इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नीचे आप देखेंगे नीचे से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप जो आपके वीडियोस हैं यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी वीडियो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो थर्ड ऑप्शन दिखा रहे हैं इसमें गेम्स हैं, इसमें जो छोटे छोटे गेम्स होते हैं वो सब शो कर रहे हैं, इसको भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। मैं आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करके आप इसको गेम खेल भी सकते हैं। तो मैं इसको सेंड बैक जाता हूँ, जब मैं बैक जाता हूँ अब आप देखिए इसमें और एक इसमें ऑप्शन देखिए सेंटर में जो आपके चैट के पास में नीचे सेंटर में जो ऑप्शन बनाया है इससे आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या सेंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ही आपका स्टिकर वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप देखें यहाँ भी आप अपनी पिक्चर्स में कुछ भी लगाकर भेज सकते हैं, जो अलग अलग ऑप्शन शो कर रहे हैं देखिए ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए आप डिस्कवर में जाइए, इसके बाद मैं डिस्कवर में जाता हूँ तो यहाँ से पर आपके स्टोरीज शो करेगा, जो स्टोरीज और उन्हें लगा रखी है
ये सब स्टोरीज यहाँ पर शो करता है। तो मैं बैक जाता हूँ दोबारे, और अब ऊपर आइए आप, ऊपर जो सर्च लिखा हुआ है यहाँ से आप किसी आप अपने आईडी को सर्च कर सकते हैं, जिसमें जिससे आपको चैट करनी है उसका नाम डाल के यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसके नीचे देखिए, आपको अगर फ़ोटो खींचनी है तो ये फ्लैश का ऑप्शन है, फ्लैश से भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं। ये फ्लैश इसके ऊपर वाला है आपका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा। उसके आप नीचे आइए, मल्टीपल स्नैप्स, टाइमर में ऐसा आप टाइमर बना के सेंड कर देंगे तो फिर आपको वहाँ पर आपकी जिसकी फ़ोटो आएगी कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक, कुछ टाइम देखने के बाद वहाँ से फ़ोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो ये देखिए ऐसे ऑप्शन इसमें शो कर रहा है, और मैं आपको बताता हूँ इसमें, मैं दोबारा ओपन करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब देखिए जो किनारे पर सर्च के बाद लेफ्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन शो कर रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें आपका ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपके इसमें है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप एक तो नीचे है यहाँ पर आप इसमें स्नैप लगा सकते हैं, ऐड स्नैप करके अपनी स्नैप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसमें आप देखिए इसके बाद आप इसके माय स्टोरी के सामने यहाँ से आप स्टोरी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्टोरी ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड किया और ये अपनी स्टोरी में जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं ऐसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तीन डॉट्स में क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या है, ऐड टू स्टोरी, सेव स्टोरी, स्टोरी सेटिंग्स, ये सब है। स्टोरी सेटिंग में आप जाएंगे तो देखिए स्टोरी सेटिंग्स में दिखा रहा है एवरीवन में से आपको करना है, एवरीवन का आपको स्टोरी सबको दिखानी है नहीं दिखानी है, फ्रेंड्स को दिखानी है, कस्टम आप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको डन करता हूँ, अब आपको नीचे आता हूँ, देखिए यहाँ पर ऐड स्टोरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टोरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ से आप फ्रेंड्स, आप नए फ्रेंड्स आपको सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करके भी आप ऐड कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स इसमें आपकी फ्रेंड लिस्ट शो करेगा जो आपके फ्रेंड्स होंगे। और इसमें आप देखिए यहाँ पर आपका बिटमोजी का ऑप्शन है, इसमें आप बिटमोजी अपनी लगा सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शन आपको शो करता है, यहाँ से ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत ऑप्शन नीचे शो कर रहा है, आप हेड लगा सकते हैं, ये हेड शो कर जाएगा आपको, जैसे मैं क्लिक करता हूँ हेड में तो ये हेड में आ जाएगा, देखिए टी शर्ट आपको चेंज करनी है वो चेंज हो जाएगी, शूज़ आपको चेंज करने हैं आप शूज़ चेंज कर सकते हैं, कलर आप चेंज करना है कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे तो मैं आपको फिर बैक जाता हूँ एक बार, तो यहाँ से आप इसको बिटमोजी लगा सकते हैं। सेलेक्ट सेल्फी, सेल्फी में भी जाके आप चूज सेल्फी करके आप इसमें से ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इसमें बहुत आसानी से आप जैसे आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं इसमें भी आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो आपको सेंटर में लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप ये देखिए ये आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपकी एक बिटमोजी बनी हुई है वो शो करेगा सेंड यूज़र, ये आप यहाँ से सेंड यूज़र को ये वाला ऑप्शन भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके आईडी से कनेक्ट हो जाएगा। सेव स्नैप कोड, स्नैप कोड भी यही है, आप सेंड करेंगे तो इसने सेव स्नैप कोड आपको भेजेंगे, जैसे सेव करके तो वो जिस यूज़र को आप भेजेंगे वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। शेयर आप स्नैपशॉट स्नैप कोड को आप शेयर भी कर सकते हैं ऐसे ही। अब यहाँ देखिए ऊपर जो ऑप्शन शो कर रहा है तो देखिए राइट हैंड साइड पे जो ऊपर ऑप्शन शो कर रहा है मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप सेटिंग्स में आपका नाम शो करेगा, यूज़र नेम शो करेगा, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आपको चेंज करना है तो। और यहाँ पर इसके बाद है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप डालेंगे जैसे टू फैक्टर तो इसमें आप कंटिन्यू करेंगे तो उसमें टेक्स्ट वेरिफिकेशन आपको शो करेगा, आपके जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कोड आएगा या किसी और आईडी
किसी और फ़ोन में आपका ये ओपन होता है आपका स्नैपचैट, तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि दूसरे फ़ोन में ये ओपन हुआ है, आपको ऑथराइज है नहीं है, ये आपको उसमें बताना पड़ेगा। और दूसरा आपका ऑथेंटिक ऐप है, ऐप के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपको लगाना है इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। उसके आप देखिए ऑप्शन है कनेक्टेड आपका ऑप्शन है, इसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, बिटमोजी या जो आपने भी किया था ये आप आउटफिट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट चेंज आउटफिट, एडिट माई बिटमोजी, चूज अ सेल्फी ये भी आप कर सकते हैं। मैनेज में आप देखिए मैनेज में क्या है, लेंस स्टूडियो इज अनपेयर्ड ये आपको पेयर करना पड़ेगा। इसमें कॉन्टैक्ट मी माई फ्रेंड्स, इसमें आपके फ्रेंड्स आपको कौन कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, देखिए एवरीवन आपको कोई भी आपको मैसेज भेज सकता है या आपके फ्रेंड्स ही आपको मैसेज भेज पाएंगे। इसमें आपको मेमोरीज शो करेगा, लोकेशन शो कर जाएगा आपकी, तो ये सब आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ से आप क्लियर हिस्ट्री देखिए और डेटा परमिशन ये सब आपको यहाँ से आप कर सकते हैं, और सपोर्ट भी आपको है, फीडबैक आप दे सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन ये देखिए। और यहाँ से अगर आप लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ लॉग आउट, तो ये मैं इससे बाहर आ गया। तो फ्रेंड ऐसे आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये इंडिया में अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।